जय श्री कृष्णा। मेरा नाम करण है, मैं उदयपुर से हूँ और हम लोग, हमारी 12 जनों की एक फैमिली है। हम लोग ये पिछले पेंटिंग्स रेगुलरली करीबन 60-70 सालों से बना रहे हैं और करीब 20-21 आर्टिस्ट हमारे पास और दूसरे हैं, आउटसोर्सेज से भी कलेक्ट करते हैं, कितना सारा होलसेल काम करते हैं और बाकी हमारे घर पर वर्कशॉप है, हम वहीं रह के सारा काम करते हैं। पिछवाई एक जो कला हम लोग करते हैं वो ठाकुर जी के पीछे लगने वाला कपड़ा होता है, कोई भी भगवान का स्टैचू हो उसके पीछे लगने वाला जो कपड़ा है उसको पिछवाई कहते हैं। वो अलग अलग फेस्टिवल के हिसाब से, अलग अलग तरीके के हिसाब से वो उसको डेकोरेट करते हैं और अपने हिसाब से लगाते हैं। आजकल धीरे धीरे इसका ट्रेंड भी बढ़ गया है तो हर आदमी चाहता है कि हमारे घर के अंदर एक पिछवाई हो, इसके अंदर ठाकुर जी का स्वरूप हो और वो हमारे घर में एक डेकोरेटिव पीस के रूप में भी वो लगाते हैं। जैसे अभी ये पीछे एक शरद पूर्णिमा का पिछवाई लग रहा है तो मंदिर के अंदर ये इस तरीके का स्टैचू होता है, वो उसके आजू बाजू ऐसी पिछवाई होती है। मतलब ओरिजिनली पिछवाई तो ये है जो स्टैचू के आजू बाजू लगा हुआ, ये जो यहाँ से देखो ये कपड़ा दिख रहा है और ऊपर देखे ये कपड़ा लगा हुआ, ये इतना सा पिछवाई होता है और बीच में एक श्रीनाथ जी का कटआउट होता है। तो ये कटआउट अगर आप ठाकुर जी के यहाँ लगता है स्टैचू है और ये होती है पिछवाई। तो शरद पूर्णिमा रास की भावना से होता है, इसमें अन्नकूट होता है, गोपाष्टमी होता है, फिर जैसे अलग अलग तरीके से नए नए स्टाइल में काफ़ी मॉडर्निज्म भी हो गया है, तो अपने अपने हिसाब से हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं से देख के अपना अपना क्रिएशन डाल के उसको नए तरीके से बनाता है। और हम लोग काफ़ी टाइम से ये सारा काम कर रहे हैं और हमारा एक ब्रदर है साथ में, उसने भी हमने हमारे पिछड़े वाला फैमिली ने करीब करीब 10-12 नेशनल रिकॉर्ड बनाए हैं, 2-3 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं हमारे मिनीचर स्टाइल में है, तो वो सारा काम हमारे पिछले जनरेशन से चला आ रहा है। मैं राहुल कुमार सोनी, उदयपुर राजस्थान से मिनीचर पेंटिंग और पिछवई पेंटिंग का आर्टिस्ट हूँ। और पिछवई पेंटिंग्स में लगभग मेरा जो एक्सपीरियंस है, एज 12 से मैं ये कार्य करते हुए आ रहा हूँ और 13 का एज है मेरा, 15 ईयर का मेरा एक्सपीरियंस है इन मिनीचर पेंटिंग्स में। और इन मिनीचर पेंटिंग में मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी क्रिएट किया है, जो मतलब कि मैंने मोस्ट माइक्रो पेंटिंग इन वर्ल्ड में सबसे माइक्रो मिनीचर वर्क करके और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट किया है। ऐसे मैंने बहुत से कामों के अंदर मिनीचर वर्क करके बहुत से रिकॉर्ड भी क्रिएट कर रखे हैं, जो कि मेरा आप मिनीचर देखेंगे तो उसके अंदर आपको दिखाया पता चलेगा उसमें। और हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड और बहुत से इंटरनेशनल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी मैंने अपना नॉमिनेशन दिया है और वहाँ से भी वो अप्रूवल हो करके और मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड अचीवमेंट मेरे मिनीचर पेंटिंग्स के अंदर किए हुए हैं। सिंह है ये पिछवाई पेंटिंग से, जो श्रीनाथ जी मंदिर पिछवाई है, ये श्रीनाथ जी मंदिर से इसका प्रचलन सारा चालू हुआ। ये गोल्ड और सिल्वर की पिछवाई है सारी, जो पहले पुराने टाइम में दक्षिण हैदराबाद से इसका स्टार्टिंग हुआ और ये सारी तकरीबन पुराने टाइम की चली आ रही पद्धति है जिसे मैं अब करते जा रहे हैं। हम तकरीबन 10-12 जनों का ग्रुप है और हम सब फैमिलियर हैं, तो ये हम फैमिली से है तो हम सब करते आ रहे हैं ये काम। काम कर रहे हो हमारे ऊपर एक गाइडेंस है। दूसरी बात ये है कि हमने कभी ना सरस्वती माता को देखा नहीं है हम, तो ये आर्टिस्ट ही होते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो पेंटिंग बनाते हो, चाहे वो एक्टिंग करते हो, चाहे वो सिंगिंग करते हो, तो इनके ही थ्रू हमें उनके दर्शन हो जाते हैं।
तो वी आर थैंकफुल कि ये सारे आर्टिस्ट के को हम थैंक्स कहते हैं कि उन्होंने साक्षात सरस्वती से हमारा साक्षात्कार कराया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। कार्ड्स लिया है और ज़रूर लूँगा बिकॉज आई लव आर्ट, आई जेन्यूनली लव आर्ट। अगर घर में भी देखोगे तो प्लेन वॉल्स होंगे लेकिन आर्ट और मेरी ग्रीन्स यही है जो मुझे खुशी देती है, एक सेटिस्फैक्शन देती है। जैसे मैम ने कहा कि यू नो साक्षात सरस्वती माँ इन आर्टिस्टों में है और उनकी कला में है और उनके हुनर में, तो आई थिंक इसीलिए इतना अच्छा काम करते हैं। और आप उनको भी देखें तो इतने काम और कंपोज लगते हैं। आई थिंक वही एक ब्यूटी है आर्टिस्टों की, और थ्रू आर्ट ऑफ आर्ट हम यही चाहेंगे कि ऐसे आर्टिस्ट को हम इनक्रेज करें और जिस तरीके भी हम उन्हें एंड यूजर तक पहुँचाए, बायस तक पहुँचाए, ये कोशिश हमारी होगी। आई थिंक इट्स लाइक एनकरेजिंग टैलेंट इन द इंडस्ट्री ऑल्सो। मैंने हमेशा यंग आर्टिस्ट को इंडस्ट्री में भी एनकरेज किया। मेरी अपनी प्लेटफॉर्म है FTC जहाँ हम यंग टैलेंट को एनकरेज करते हैं, तो यही है वो एक आर्ट का प्लेटफॉर्म जो हम पुश कर रहे हैं। आई थिंक मैम बताएंगी आपको द थॉट बिहाइंड इट, द रीज़न। वो ही फाउंडर्स है और यू नो यंग आर्टिस्ट को अपॉर्चुनिटी देने की एक प्लेटफॉर्म है और यही कोशिश कर रहे हैं। द सेम टीम इज़ ट्राइंग टू डू इट फॉर द इंडस्ट्री ऑल्सो, फिल्म इंडस्ट्री को एक साथ जोड़ने के लिए, आर्टिस्ट को जोड़ने के लिए, टेक्नीशियंस को जोड़ने के लिए, वेंडर्स को जोड़ने के लिए। यही एक कोशिश है कि ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म, एक एग्जीबिशन क्रिएट करें जहां देश भर से टैलेंटेड लोग और यू नो वेंडर्स मेंबर्स आए एंड एग्जीबिट देयर प्रोडक्ट्स। अ वन स्टॉप शॉप फॉर सिनेमा। आई थिंक ये बिगनिंग है, कोशिश ये है। लेकिन जैसे कि हमने कहा कि 500 प्लस आर्टिस्ट है, 10,000 प्लस वर्क्स है, तो कोशिश यही रहेगी कि ये बड़ा हो जाए। और बड़ा तब होगा जब सक्सेसफुल होगा, लोग आएंगे। हमारे आने से या आर्टिस्ट के आने से एक शुरुआत ज़रूर होती है, लेकिन जब लोग आते हैं, लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं, लोग उनके आर्ट को खरीदते हैं, अपने घरों में सजाते हैं, तब जाके वर्ड ऑफ माउथ और पब्लिसिटी होती है। और आर्टिस्ट जितना अपना काम बेच सकेगा उतना ही काम वो बना सकेगा, वरना इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। आप बताइए इस इवेंट के बाद में हमारे कंटिन्यूस, जैसे कल भी मैंने बताया था कि हमारे कंटिन्यूस शोज़ होंगे जो बेंगलोर में है, दिल्ली में है, दिल्ली में दो बार होने वाले हैं जनवरी में और जुलाई में, और उसके बाद में इंटरनेशनल शो हमारा स्टार्ट होगा अप्रैल में दुबई से, जब हम स्टार्ट करेंगे। और जिस तरह से हमने इंडिया में सीरीज़ बनाई है दिल्ली मुंबई बेंगलोर, उसी तरह से हम इंटरनेशनल सीरीज़ बनाएंगे विच विल बी लाइक दुबई, सिंगापुर, जापान, जहाँ पे बहुत अच्छे आर्ट के अप्रिशिएटर्स हैं। ऐसे सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हम अपने इंडियन आर्टिस्ट को लेकर जाएंगे। कल भी मैंने बात कही थी, आज मैं फिर रिपीट करूँगी कि इंडिया के में बाइंग होती है, इंडिया में लोग आर्ट परचेस करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल आर्ट इंडिया में आता है। लेकिन हमारे पूरे कॉन्सेप्ट का ये मोटो है कि इंडिया का जो आर्ट है, इंडिया के आर्टिस्ट, इंडिया का टैलेंट जो है वो इंटरनेशनली जाए। तो दिस प्रोजेक्ट विल कीप ऑन गोइंग। उसके अंदर हम एक ऐड ऑन, एक और चीज़ ऐड ऑन कर रहे हैं कमिंग फ्यूचर के में, कि जिस तरीके से पेंटिंग एक आर्ट है, उसी तरीके से एक्टिंग, म्यूजिक, ड्रामा, ये भी एक आर्ट है। और इसके लिए हम एक और प्लेटफॉर्म कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, विच इज़ कॉल्ड फिल्म एक्सपो, जो बहुत जल्दी हम रिलीज़ करेंगे। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और विच विल बी समथिंग सिमिलर टू दिस फॉर द पीपल हु आर कनेक्टेड विथ फिल्म इंडस्ट्री लाइक यू, मी एंड एवरी वन, विथ सर्स अंडर एज अ मेंटरशिप एंड विथ FTC एज अ गाइडेंस पार्टनर विथ अस। तो ये हम एक प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेकर आने वाले हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आर्ट एंड आर्टिस्ट। सो फिल्म के भी जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए भी हम एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहे हैं। अभी फिल्में तो बन रही है, अब जब रिलीज पे आएंगे तो बात करेंगे तो बेटर है। अब फिलहाल हार्ट ऑफ आर्ट इन आर्टिस्टों को एनकरेज करना, उन्हें